अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर जोकर ड्रामा सीरियल वेलकम जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब सलमा कहती है अब अनवर साहब से कि आज एक बार फिर आई थी रमशा और उसने देखा था एक महीने की मोहलत के बावजूद हमने ये घर खाली नहीं किया, तो उसने एक दिन आज का और टाइम दिया है, वरना उसने कहा है कि वो पुलिस को साथ लेकर आएगी और सारा सामान हमारे बाहर फेंकवा देगी। ये बात सुनकर कहते हैं अनवर साहब की तो बहुत ज़्यादा सच चढ़ गई है, मुझे अब इससे बात ही करनी होगी, इसे मुझे लगता है कि लगाम डालनी होगी। तो कहती है अब सलमा बेगम कि इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, वो भी बेचारी बहुत ज़्यादा अच्छी है जो उसने हमें बार बार टाइम दिए जा रही है, अगर कोई और होती तो उसी वक्त हमें घर से निकाल देती, इतने दिनों हम घर से गायब रहे, हमने उसकी सारी दुकान ख़त्म कर दी है और उसका मकान के क्या हाल कर दी है, ये किराए पर भी दे दिया था हमने लेकिन हमें कुछ हासिल ना हुआ, यही होता है आराम के पैसे का अंजाम, अगर ये सब कुछ हम हलाल और बहुत अच्छी नीयत से करते तो आज हम सब लोग के पास बहुत कुछ होता। ये वजह है कि बहुत ज़्यादा ईमानदार थे भाईजान, उन्होंने ही सब कुछ बनाने हैं, लेकिन आपकी नीयत में खोटा और हमेशा अपने भाई के पैसे पर नज़र रखी आपने और क्या नतीजा निकला, आज आप खाली हैं खाली हाथ हैं लेकिन आज उनकी औलाद इतनी अमीर है कि वो सुकून से बगैर आपके के अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। ये बात सुनकर कहते हैं अनवर साहब की मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम्हें मुझे मज़ीद परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं और इस तरह की बातें करके मेरा दिल मत दुखाओ। तो कहती है सलमा के अगर आपको पहले ख्याल होता तो आप पहले ऐसा हरगिज़ ना करती, अगर आप पहले ही अपना बंदोबस्त कर लेते और ऐसे उस लड़की का दिल ना दुखाते, वो यतीम थी लेकिन आपने उसे सहारा ना दिया बल्कि उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसकी माँ के साथ भी बहुत बुरा किया, आपने बहुत गलत किया, अब उन्हें गुनाहों की सज़ा हम सबको मिल रही है, मुझे लगता है कि अब हमें भी सुकून हासिल होगा। सब कुछ देखेंगे आप आने वाले एपिसोड में, वीडियो शेयर हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।